उधम सिंह नगर में आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रों का किया सम्मान, सरस्वती की स्मृति भेंट कर किया सम्मानित। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगा नहर 20 दिनों के लिए बंद, 4 नवंबर को खोली जाएगी गंगा नहर, श्रद्धालुओं को होगी परेशानी। उत्तराखंड में सीएम करेंगे पहल कार्यक्रम का शुभारंभ, लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े लोग भी होंगे शामिल, युवाओं को मिलेगा रोजगार। रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं के लिए देवदूत बनकर आगे आ रहे हैं पुलिस और एसडीआरएफ के जवान, टीम ने किया सफल रेस्क्यू, नदी में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की तरफ से कुछ दिन पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी में उधम सिंह नगर के टॉपर बने पीयूष भट्टाचार्य को मां सरस्वती की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं एसएस कलेर ने बताया कि उभरती प्रतिभा चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या वो किसी अन्य क्षेत्र से जुड़ी हो, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें और देश का प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। हमारे क्षेत्र के खटीमा क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े इसलिए इसका हौसला बढ़ाया। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगा नहर को वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अगले 20 दिनों के लिए बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि गंगा नहर 4 नवंबर को दीपावली की रात को खोली जाएगी और गंगा नहर बंद होने के चलते हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान में परेशानी भी होगी, एनसीआर क्षेत्र में भी पानी की से किल्लत हो सकती है। उत्तराखंड जन विकास सहकारी समिति के पहल कार्यक्रम का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं दूर दराज गांव से लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े लोग भी शामिल होंगे, साथ ही दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के लोग भी इसमें शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा जो अपने अपने क्षेत्र में उत्तराखंड के अंदर लघु और कुटीर उद्योग, स्वरोजगार और रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र में विशेष योगदान दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आगे आ रहे हैं। दरअसल तीर्थ यात्रियों की मदद में जवान रात दिन जुटे हुए हैं और तत्परता से रेस्क्यू कर राहत पहुंचाने में लगे हैं। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे तीर्थ यात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। अब हर दिन 10 से 11 हजार के करीब तीर्थ यात्री धाम पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग से कर रहे हैं, ऐसे में पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदलने करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी करने के बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दाव पर लगा के, अपने सम्मान को दाव पर लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं,
ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। निश्चित ही ऐसे घटिया टाइप के लोग जो अपने लोभ लालच के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए दल बदल करते हैं, वह निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं, चाहे वो किसी दल के भी नेता हों। के भी लोग हैं जो लोभी लालची लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षा जिनके अंदर इतनी होती है कि वो दल के संविधान को नहीं जानते, अपने प्रदेश की परिस्थितियों को नहीं समझते, ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो जाना चाहते हैं कहीं भी, उनको ना कोई रोकने वाला पैदा हुआ है ना कोई रोक पाएगा। आने वाले 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा तय हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में प्रधानमंत्री 250 करोड़ की योजनाओं का जहां लोकार्पण करेंगे, वहीं 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य भी समाधि स्थल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदारनाथ में अटूट आस्था है और पीएम बनने के बाद कई बार प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 5 नवंबर को पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी वहां पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि संयोग है ये कि भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं। मैं विद्यार्थी जीवन में कई बार पहले भी अयोध्या गया हूं, जब भी मैंने वहां देखा भगवान राम टेंट में थे, टेंट के चारों ओर सरिया लगी हैं, भगवान वहां पर रह रहे हैं। मैं सोचता था कि भगवान राम महल में कब विराजमान होंगे, अच्छी जगह कब जाएंगे वो। अब रास्ता जो है वो साफ हो गया है और निश्चित रूप से हम सब की आस्था में राम बसते हैं। देखिए, संयोग है भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं। और मैंने बचपन से, चूंकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, तो भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बसते हैं। तो मैं भी उनके दर्शन करके निश्चित रूप से जो सेवा कार्य है और भगवान राम का जो जीवन रहा है, जो उनका राज रहा है, आदर्श राज रहा है, उसी को आज देश के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ पवित्र छड़ी का गंगा स्नान के बाद पूजन हुआ। वहीं श्री पंच दशानम जूना अखाड़ा की तरफ से निकाली जाने वाली प्राचीन पवित्र छड़ी को पूरे विधि विधान के साथ हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कराया गया। इस दौरान जूना अखाड़े के संतोष श्री निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत रविन्द्रपुरी के अलावा गंगा सभा के अध्यक्ष महामंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे। साथ ही पवित्र छड़ी आज नगर भ्रमण के लिए भी निकलेगी और इस दौरान श्री महंत हरिगिरी महाराज ने उत्तराखंड के चारों धामों के आसपास मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से यथोचित कार्रवाई की मांग भी की है। संगठनों में अखाड़ों में समाते हैं, अखाड़ा एक अखाड़ा परिषद बनता है। इसलिए मतलब जो है मात्र मेरा उद्देश्य था कि उत्तराखंड के जो आप देखते हैं, मैं नहीं बोलना चाहिए,
अगर बिना बोले मैं रह भी नहीं सकता हूँ, चाहे सरकार मेरे साथ जो चाहे कर सकती, खुली चुनौती मैं देता हूँ। क्योंकि अभी आप देखिए एक सहारनपुर का मौलवी ने क्या कहा और बद्रीनाथ का क्या नाम रखा, आपको ज्ञात होना चाहिए। वहां संघर्ष चल रहा है कि हमें नमाज पढ़ने का अनुमति दिया जाए, 5000 आदमी ज्योतिष मठ में और वहां नमाज पढ़ रहे हैं, केदारनाथ में, गौरी कुंड में उत्तराखंड के लोग शिक्षा और चिकित्सा न होने के कारण, क्योंकि न पिथौरागढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज है और न कोई मतलब मेक सुधारा ऋषि केस विशेष स्थापना है, ये कहां होना चाहिए था, चमोली में, पिथौरागढ़ में। ऋषि के देहरादून तो अपने आप हिमालय छू रहा है विकास के नाम पे, पर इसके कारण से पहाड़ का कोई थानेदार हो, इंस्पेक्टर हो, यहां तक कि नेता मिनिस्टर भी कहां रहना चाहते हैं, हल्द्वानी में। और ये बात सत्य है, पहाड़ अभी जितना भी ऊपर हमारे भाई बंधु सब प्लेन में आ रहे हैं, और हम जितने भी मठ मंदिर है, जितने अखाड़े, हमारा प्रयास होगा और हमने ये चिंतन किया है, हमने मीटिंग भी की इसके लिए कि हम जो भी अगला जो हमारी जो मीटिंग होगी उसमें ये इशू होगा कि हम जितने भी मठ मंदिर है पहाड़ों में बनाएंगे, पहाड़ों में विद्यालय की स्थापना होगी, और जो भी हमारे से मठ मंदिरों से अखाड़ों से जो भी हम तक सहयोग होगा वो हम पहाड़ों के लिए करेंगे, और हम जो है पहाड़ों में मंदिर आदि एवं शिक्षा पहाड़ों में बहुत जरूरी है, और शिक्षा जो पहाड़ों में हम बहुत जल्दी से विद्यालय हम पहाड़ों में खोलेंगे। ये पलायन का मुद्दा है, ये पूरा उत्तराखंड में उठेगा, पूरे अखाड़ों में उठेगा, जितने हमारे संत है, महंत है, भगत है, जगत है, सबसे ये मुद्दा उठाया जाएगा, और हमारा यही मुद्दा है कि जो उत्तराखंड का पलायन बंद हो जाए, पहाड़ जो है पहाड़ अपना स्थिर हो जाए, पहाड़ में एजुकेशन मिले और उनको जो शिक्षा मिले, दीक्षा मिले, वहाँ मठ बने, मंदिर बने, और हर जितने पहाड़ के लोग हैं अपनी अपनी जगह पर वो स्थित रहे। पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना के बाद स्नान कराया गया और ऐसे में स्नान के बाद पूजन हुआ। साथ ही आपको बता दें कि श्री पंच दशानंद जूना अखाड़ा की तरफ से ये प्राचीन पवित्र छड़ी को पूरे विधि विधान के साथ हाकी पौड़ी पर गंगा स्नान कराया गया, और इस दौरान जूना अखाड़ा के संतोष श्री निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत रविंद्र पुरी के अलावा गंगा सभा के अध्यक्ष महामंत्री के साथ कई लोग मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीधा हरिद्वार की है, जहां पर पवित्र छड़ी आज नगर भ्रमण के लिए निकली थी, और इस दौरान श्री महंत हरिगिरी महाराज ने उत्तराखंड के चारों धाम के आसपास मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर भी चिंता जाहिर की है। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग के साथ अपहरण कर गैंगरेप और पुलिस की संवेदनहीनता के खिलाफ अयाशा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 अक्टूबर की रात 13 साल के एक नाबालिग का अपहरण कर तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद पीड़िता ने 4 दिनों तक थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक के चक्कर लगाए, लेकिन मामला दर्ज कर नहीं किया गया, जिसके बाद कल रात महिला थाने में यह मामला दर्ज किया गया। इस घटना के विरोध में आयशा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो बेगूसराय का यह पूरा मामला है जहां पर एक बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है, साथ ही पुलिस की संवेदनहीनता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। आयशा के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर ये प्रदर्शन किया है, तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 11 अक्टूबर की ये घटना है, जिसके बाद 3 से 4 दिन तक वो लड़की पुलिस थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक के चक्कर काटती रही, लेकिन इस पूरे मामले में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, जिसके बाद कल रात महिला थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला 11 तारीख को रात का भगवानपुर थाना के अंतर्गत भीठ नौला पंचायत का, वहाँ की एक लड़की 13 वर्ष की लड़की अपने घर से दुकान सौदे के लिए लाने के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ के 3 जो दबंग अपराधी है, अपराधी टाइप का, उन्होंने बंदूक के बल पर लड़की को उठा करके रात भर रेप किया, और रेप करने के बाद उसे बीच रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। जब रेप पीड़िता अपने पूरे परिवार के साथ थाना जाता है एफआईआर करने, तो उल्टे
भगवानपुर थाना प्रभारी द्वारा उसके पिता को पीटा जाता है और वहां से भगा दिया जाता है। आज पांचवा दिन है, लेकिन FIR कल SP ऑफिस आने के बाद दबाव बना तब लिया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा साफ मांग है कि जो बलात्कारी है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और भगवानपुर थाना प्रभारी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। पर 7 वर्ष बलात्कार किया जाता है 3 लड़कों के द्वारा, दबंग हैं, और जब लड़की और उसके परिजन जाते हैं थाना FIR करने, केस करने, उनको बुरी तरह पीटा जाता है और भगा दिया जाता है। तो थाना का जो रोल है वो रक्षक का होना चाहिए, भक्षक का रोल सामने में आया है, और पीड़िता को न्याय मिले और ये बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हीं मांगों के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो बेगूसराय का ये पूरा मामला है जहाँ पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि 11 अक्टूबर की रात 13 साल की नाबालिग का अपहरण कर 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर उसके साथ गैंगरेप किया था, और इस घटना के बाद पीड़िता 4 दिनों तक थानों से लेकर SP ऑफिस तक के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी शिकायत जो है सुनी नहीं जा रही थी, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद कल रात ये मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला थाने में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शिकायती पत्र लेकर ये नाबालिग बच्ची खड़ी है और थाने के चक्कर काटने के लिए अपने परिवार के साथ मजबूर है। साथ ही आपको बता दें कि बच्ची के साथ जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद इस घटना के विरोध में आयशा के कार्यकर्ताओं ने DM ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया और गैंगरेप के आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में पहले तो बदमाशों ने बच्ची का अपहरण किया और उसके बाद उसके साथ इस घिनौनी वारदात को, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, जिसके बाद बच्ची अपने परिवार के साथ थाने के चक्कर लगाती रही, SP ऑफिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब कल रात महिला थाने में ही इसका ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मधुबनी के फुलपरास ब्लॉक के बतनाहा पंचायत के लोगों को एक बार फिर से विकास होने की उम्मीद जग चुकी है। दरअसल 15 साल बाद मुखिया परिवर्तन होने से लोग काफ़ी खुश लग रहे हैं, ऐसे में लोगों का कहना है कि अब हमारे पंचायत का काफ़ी विकास होगा। मुखिया जी ने अब तक अपना घर भरने का काम किया है, पंचायत को नर्क बना दिया है, लेकिन अब नए मुखिया जी बने हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें कि मधुबनी के फुलपरास ब्लॉक का ये पूरा मामला है जहां पर 15 सालों से विकास की बाट देख रहे लोगों को अब एक नई उम्मीद जागी है, उम्मीद की किरण उनके मन में जागी है। दरअसल आपको बता दें कि 15 साल से ये लोग विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में, इनके इलाके में विकास नहीं हो रहा है, ऐसे में 15 साल बाद मुखिया परिवर्तन हुआ है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों का कहना है कि अब हमारे पंचायत का काफ़ी विकास होगा, क्योंकि मुखिया जी ने सिर्फ और सिर्फ इससे पहले जो मुखिया जी उन्होंने अपना घर भरने का काम किया है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन हो गया है, तो अब नई मुखिया जो बनी है उनसे हमें काफी उम्मीदें हैं। पहले तो मैं इस क्षेत्र के जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये लोग हम लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, ठीक है, और हम लोग मतलब 1300 कुछ वोटों से जीते हैं, ठीक है। अब जनता हम लोगों पर विश्वास किया है, और इतना विश्वास किया है कि पुराने जो मुखिया जी थे, ठीक है, वो 15 साल से राज किए थे, ठीक है, तो उनको जड़ से उखाड़ के फेंका है, हम लोग को अपार बहुमत दिए हैं। तो मैं यहाँ के जनता को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि उनको कभी कोई कठिनाई नहीं होगा। यहाँ पे पहले 15 साल पहले कोई आम सभा, कोई कुछ नहीं लगता था, मगर हमारे नए मुखिया जी नूतन कुमारी जी जो बने हैं, उनसे हम बात किए थे, ठीक है, तो वो बोले हैं कि मैं 3 महीने पे यहाँ पे आम सभा लगवाऊंगी, और जो काम होगा जनता के समक्ष होगा और बैठ के होगा, ठीक है, और जो जनता के समक्ष बैठ के होगा कि बच्चे को कैसे अपने विद्यालय में जो है उसमें
कैसे पढ़ने के लिए उनको जागरूक किया जाए और उसके बाद स्वास्थ्य में भी मेरा ध्यान रहेगा कि मेरे पंचायत में जो स्वास्थ्य की अवस्था बहुत खराब है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगी। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर चोरों का आतंक अपने चरम पर है। इसी कड़ी में शनिवार को एक बाइक सवार को बता दें कि महिला से चोरों ने सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई के बाद पुलिस के हवाले उसे कर दिया है। तो बेगूसराय का पूरा मामला है जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये इस तस्वीर और इस खबर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल रास्ते में जा रही एक महिला से बाइक सवार युवकों ने पर्स लूट लिया, जिसके बाद इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने चोर को तभी के तभी मौके पर पकड़ लिया। साथ ही उसके बाद अब इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है। रोहतास के सासाराम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक महीने में जन्मदिन पर बधाई देने के लिए 17,000 स्पेशल पोस्ट कार्ड की बिक्री हो चुकी है, जबकि 8,700 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड पिछले एक महीने में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीने से डाक विभाग ने पीएम को बधाई देने के लिए एक विशेष तरह से के बधाई पत्र पोस्ट कार्ड की व्यवस्था की है और जो अभी भी लगातार जारी है, जिसके तहत विभाग ने 1,05,000 पोस्ट कार्ड मंगवाए थे। आपको बता दें कि जिला के डाकघर के डाक अधीक्षक ने बताया कि पोस्ट कार्ड बिक्री की संख्या इन दिनों काफी कम हो चुकी थी, जिसे बढ़ाने का ये एक विकल्प के रूप में भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोग लगातार पोस्ट कार्ड खरीद रहे हैं और ऐसे में इस दौरान पोस्ट कार्ड की बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ी है। दरअसल आपको बता दें कि पोस्ट कार्ड की बिक्री कोरोना के समय में काफ़ी कम हो गई थी, इसीलिए प्रशासन की तरफ से स्पेशल पोस्ट कार्ड बनाया गया था, जिसके जरिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दे सकते थे, शुभकामनाएँ दे सकते थे। इसके लिए एक स्पेशल पोस्ट कार्ड निकाला गया था, माननीय प्रधानमंत्री को बधाई पत्र और पोस्ट कार्ड एक ये निकाला गया था, जिसके बाद काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने पोस्ट कार्ड भी खरीदा। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने से डाक विभाग ने पीएम को बधाई देने के लिए ये विशेष तरह के बधाई पत्र पोस्ट कार्ड की व्यवस्था की है, जो अभी भी लगातार जारी है, जिसके तहत विभाग ने 1,05,000 पोस्ट कार्ड मंगवाए हैं और इसीलिए इसकी काफ़ी बिक्री अभी भी लगातार हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म अवसर 17 सितंबर के अवसर पर एक डाक प्रधान डाकघर में बधाई पत्र के लिए स्पेशल लेटर बक्सा स्थापित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पोस्ट कार्ड का खपत जो है इन दिनों देखा जा रहा है काफ़ी कम है, तो इसको हम लोग बधाई पत्र में लेकिन काफ़ी आ रहा है। करीब हम लोगों ने 1,05,000 पोस्ट कार्ड हम लोगों ने मंगाया है और अभी तक 17,000 बिक चुका है और हम लोगों ने स्पेशल बैग के माध्यम से दिल्ली को 8774 लेटर हम लोग भेज चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।